इंडियन एयरफोर्स में मैन और वुमेन दोनों के लिए बहाली आई है। इसमें फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और AFCET एंट्री में आपका फ्लाइंग के लिए SSC में आपका 96% बहाली आई है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए आपका AELPC में 20, SSC के लिए 78 और आपका AEMPC के लिए इसमें 8 वैकेंसी, SSC के लिए 31 वैकेंसी। फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के जो आपका एडमिन में PC के लिए 10, SSC के लिए 42 वैकेंसी, EDN PC के लिए 4 वैकेंसी, SSC के लिए 17 वैकेंसी। NCC स्पेशल एंट्री वाले जो हैं उनका फ्लाइंग के लिए आपका 10% जो सीट रहेगा वो CDSC में रिजर्व रहेगा और PC के लिए 10% सीट आपका रिजर्व रहेगा। मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए आपका जो है मेट PC के लिए 6 वैकेंसी, SSC के लिए 22 वैकेंसी है। आपका जो SSC में जो जिनका रिक्रूटमेंट होगा जो मैन और वुमेन, इसका जो है आपका 14 साल के लिए आपका ड्यूटी रहेगा। ग्राउंड ड्यूटी जिनका रहेगा उनका, जिसमें टेक और नॉन टेक दोनों आएंगे, इसमें 10 साल पहले रहेगा, फिर उसके बाद एक्सटेंड करके 4 साल फिर बढ़ा जाएगा। इसमें फ्लाइंग ब्रांच में जो अप्लाई करेंगे उसके लिए 20 साल से 24 साल के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो है उसमें 20 से लेकर 26 साल के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जिसका सिलेक्शन होगा उनका जो ट्रेनिंग होगा जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा आपका हैदराबाद में, और आपका जो है टेक्निकल ब्रांच जो रहेगा उनका आपका 74 वीक का ट्रेनिंग रहेगा, और ग्राउंड ड्यूटी जो है जिसमें नॉन टेक्निकल वाले हैं जिसका 52 वीक का आपका ट्रेनिंग होगा। फ्लाइट कैडेट जो रहेंगे उसको स्टाफन आपका 56,100 रुपये, आप एक साल का जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें उतना ही दिया जाएगा, पर मंथ आपका 56,100 रहेगा। आपका जो अलाउंसेस रहेगा आपका जो नेचर का ड्यूटी के हिसाब से आपका कहाँ प्लेस हो रहा है उसके हिसाब से रहेगा। अगर टेक्निकल है या फील्ड एरिया में स्पेशल कंपलसरी हिल एरिया में है, स्पेशल फोर्स में है, सीचेन में है, आइलैंड में है, तो इसके हिसाब से आपका अलग अलग अलाउंसेस बनेगा। इसमें आपका 1 करोड़ रुपये का आपका इंश्योरेंस रहेगा, मगर उसके साथ 1 करोड़ 12 रुपये का जो आपका है फ्लाइंग ब्रांच के जो रहेंगे उनका 1 करोड़ 12 लाख का इंश्योरेंस रहेगा। इसमें AFCET एंट्री का अलग रहेगा, NCC के स्पेशल एंट्री के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए अलग करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों के लिए आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आपका बॉडी में अगर टैटू है तब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप AFCET के लिए अगर अप्लाई करना है तो इसमें आपको 250 रुपये का नॉन रिफंडेबल आपको फ़ी देना पड़ेगा, मगर आप अगर NCC के स्पेशल एंट्री के एंड मेट्रोलॉजी के लिए आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आपको इसके लिए कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका एज 25 साल से नीचे है तो आपको शादीशुदा नहीं रहना चाहिए, तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है अगर शॉर्ट रूट से अगर जाना है जहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर अगर शॉर्ट रूट से चलिएगा तो आपको AC 3 टायर, AC चेयर कार के जो आपका फ़ी रहेगा, जो आपका चार्ज लगे हुआ उसमें आपको बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। अदरवाइज़ दूसरा किसी वे से अगर जाइएगा तो उसका अलगन चार्ज नहीं देंगे अलगन। अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो इसमें 2 नंबर दिया गया है, 02025503105 और 02025031016। इस नंबर या फिर आपका ईमेल जो है AFCETCELL@CDACEIN.IN, इस वेबसाइट में आप लोगों आपका मेल कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से या फिर एडमिट कार्ड से या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो, और इसमें टोल फ्री नंबर भी आपका दिया गया है जैसे 1800112448, इस नंबर में भी आप कॉल करके सारा जो आपको डाउट है क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और अप्लाई लिंक भी वहीं पर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग एडवर्टाइजमेंट को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा और अप्लाई फिर उसके बाद कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।